हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ओरियो मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी बिना आइसक्रीम के। सिर्फ 5 मिनट में ये ओरियो मिल्क शेक बनकर तैयार हो जाता है और ये पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। चलिए तो ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। सबसे पहले हमने लिए है ओरियो बिस्किट। 5 ओरियो बिस्किट लिए हैं ये। सारे बिस्किट हम जार में डाल देंगे। फिर लेंगे 1 कप ठंडा दूध। दूध बिल्कुल फ्रिज का रखा हुआ लीजिएगा ठंडा। 1/4 कप ली है चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मीठा कम ज़्यादा चाहिए तो। 2-3 क्यूब लेंगे हम बर्फ के। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हम ढक्कन लगाएंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे तरह से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए 2 मिनट में हमारा शेक तैयार हो चुका है। झाग भी कितने अच्छे से हुए हैं। बस ओरियो शेक को हम अब ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये देखिए 2 मिनट में ये ओरियो मिल्क शेक बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये मिल्क शेक बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और ये देखिए जो मिल्क शेक बनाते हुए झाग बने थे वो हम गार्निश में यूज़ करेंगे। और ओरियो बिस्किट को ही हम क्रश करके ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये इस तरह से भी बहुत यम्मी लगता है। तो ये शेक आप ज़रूर बनाइएगा, आप भी पिएगा, बच्चों को भी पिलाइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।